ये हमने चौथी दुनिया बसाई है, हम कई बार खराब हुए हैं, बहुत बड़े शराबी भी रह चुके हैं हम, और ये हमारी 5 साल की मेहनत है, छठी चल रही है जहाँ आप आए हैं। हमारे जेब में 10 रुपये नहीं बचे थे, एक फ़ोन तक का नहीं बचा था, अपना शरीर कंट्रोल में कांपते थे हाथ में। पीछे जितनी मंजिल हमने काट दी है, मुड़ कर कभी देखा नहीं है और देखेंगे भी नहीं। अपने बच्चों को 2 रुपये कमाई के इनमें से दिए नहीं है और दंगे भी नहीं, क्योंकि बच्चे इनकी सेवा ही नहीं करते, उन्हें इंटरेस्ट नहीं इनमें। ये भाई साहब शुरू से ही शौक है, यूपी से ही शौक था। मैं 10-15 साल की एज थी जब इसे बस शौक लग गया था, आज तक चला रहा है। खतरनाक डॉग है इस इलाके का वैसे सबसे ज्यादा। ये पाकिस्तानी डॉग है सर? ये पाकिस्तानी गोल्ड है, ये शिकारी नस्ल में आते हैं भाई साहब। अच्छा, सिक्योरिटी अच्छी है? अच्छा, सिक्योरिटी और शिकार बड़ा मजबूत डॉग है ये, पाकिस्तान में इससे लोग शिकार कराते हैं अपना। महा खतरनाक है, इसका असली मालिक जा चुका है, फिर अंडा वाले को अंडा मिल जाएगा, दूध वाले को दूध मिल जाएगा, दही वाले को दही मिलेगी। फिर भाई साहब मैं तो बता रहा हूँ, मैं 50 साल का होने जा रहा हूँ, मैं 10-15 साल का ही लग गया था इसमें। हमारी सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ऐसी गलती जिन पे समय ना वो चक्कर में ना पड़े, ऐसे के जोर पे कोई बिजनेस करना चाहे तो नहीं होगा कामयाब, हमारा वादा है नहीं होगा। ना कोई मैटिंग कराएंगे किसी कीमत में, ना बेकेंगे। अब सवाल आएगा कहाँ से आता है इतना, कुछ चाहते नहीं है, केवल ये चाहते हैं अपने जीवन में, ये पालन नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी सांस है। नमस्कार अमित जी। नमस्कार भाई साहब। सर एक परिचय दीजिए अपना। जी परिचय क्या दूं भाई साहब, नाम बताइए अपना। नाम विनेश कुमार रावत है घर का पूरा जी। जन्मभूमि यूपी है जी। आपके हरियाणा में 20-22 साल हो गए जी, और अब तो यहीं के होकर रह जाएंगे। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस उम्र में भी, और आपका जो जज्बा है उसको सलाम है जी। ये तो सब आप लोगों का सहयोग है सबका, सब आप भी आज डे बाई डे आप तरक्की कर रहे हैं और कुछ ना कुछ आगे नया करने की आप सोच रहे हैं। आइए सर एक बार फार्म आपका एक बार बिल्कुल दिखाऊंगा भाई साहब। राव जी अगर बात करें तो आपने कब स्टार्ट करा था ये? ये भाई साहब शुरू से ही शौक है, यूपी से ही शौक था। मैं 10-15 साल की एज थी जब इसे बस शौक लग गया था, आज तक चला रहा है। शौक के तौर पे आपने स्टार्ट करा था? और आपसे हाँ, मैं सबसे पहले डोबरमैन की एक बच्ची लाया था जी, 7,000 की लाया था उस जमाने में। घर वालों ने पूछा था कितने की, मैंने झूठ बोल दिया 1500 रुपये की। अच्छा अच्छा जी जी। वो बाद में सब बात खुली, उसने बच्चे दिए। ईमान की बात है, बड़े भाई हैं मेरे, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता जी। उन्होंने पूछा भाई कितने के लिए, हमने बता दिया 7-7 के। बस यहीं से शौक लग गया था ये। तो कौन कौन सी वैरायटी है राव जी आपके फार्म पे? वैरायटी वैसे काफी है वैसे तो जी। हाँ जो दिखवाता हूँ, गद्दी है, ओल्ड गद्दी है फीमेल हमारे पास जी। अब जो चल रहे हैं वो भी है, बुलटेर है पाकिस्तानी, ये खतरनाक डॉग है इस इलाके का वैसे सबसे ज्यादा। ये पाकिस्तानी डॉग है सर? ये पाकिस्तानी गोल्ड है। अच्छा। पूरा नाम है गोल्ड टेर पाकिस्तानी जी। पाकिस्तानी बुली भी है हमारे पास, अच्छे हैं। तो राव जी इसकी क्या खास बात क्या है इसकी गोल्डर की? हाँ जी। ये शिकारी नस्ल में आते हैं भाई साहब। अच्छा, सिक्योरिटी अच्छी है? अच्छा, सिक्योरिटी और शिकार बड़ा मजबूत डॉग है ये, बहुत अच्छा डॉग है, पुरानी ब्रीड है, कोई आज की ब्रीड नहीं है। वहाँ पाकिस्तान में इससे लोग शिकार कराते हैं, अपने अपनी इच्छा पूरी करते हैं। अच्छा, मगर हमारा तो मकसद शिकार विकार का ऐसा कुछ नहीं है, हमारे दौरे तो ये महा खतरनाक है, इसका असली मालिक जा चुका, खत्म हो गए वो। हाँ, जब ये हमारे पास आए इसे कोई संभालने वाला नहीं था, ऊपर वाला संभालता या हम संभालते, बस ऐसा ही है। तो आपने उनको भी, वो भी टैकल नहीं कर पाए तो आपके पास उन्होंने छोड़ दिया? हाँ हाँ, 4 साल हो गए मेरे पास इसे जी, और कोई आज तक इससे इनकम नहीं, कोई वैसा हमें किसी प्रकार का लालच नहीं है जी। और मैं देख रहा हूँ सर ये बड़े छोटे हाइट में, बड़े छोटे छोटे डॉग हैं आपके पास यहाँ पर? ये फ्रांस बुलडॉग है भाई साहब, पेयर है ये, बहन भाई हैं सगे। अच्छा, ये बुलडॉग है? हाँ बुलडॉग, फ्रांस बुलडॉग। और सर ये बड़ा छोटा बच्चा है, ये 3 महीने का पप्पी है, मिनपिन। तो कहाँ कहाँ के डॉग है सर? जैसे आपने बताया कि आपके पास पाकिस्तानी डॉग है, पहाड़ी डॉग भी है शायद आपके पास है, तो उसके बारे में सर थोड़ा बताइए, पहाड़ी डॉग जो कौन सा है? पहाड़ी में ये गद्दी आते हैं भाई साहब जी, वैसे कागजों में असली नाम इनका हिमालयन सिफ है जी, और जैसा जिसने अपना नाम निकाल रखा वैसा बोलते, कोई भूटिया कह देता है, कोई गद्दी कह देता है। तो इनकी क्या विशेषता है जी? है जी, विशेषता क्या है इनकी खास? गार्डिंग बहुत अच्छी है, मजबूत डॉग है, अच्छा डॉग है, मजबूत है। हाँ बढ़िया डॉग है, वफादार डॉग है। और यहाँ पे सर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ये डॉग रखे हैं। ये घर की फीमेलों के बच्चे हैं, अब ये सब आप जैसे भाइयों को सबको ऐसे चले जाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा अच्छा जी, डॉगों के हैं, अमेरिकन बुली के हैं जी जी, जर्मन शेफर्ड हैं, पिटबुल हैं पूरा है जी। तो सर आप इनको खाने वगैरह में क्या खिलाते हो, क्या रूटीन रहता है डेली का? जैसे सुबह हुई तो फिर क्या करते हैं? खाना हमारा देसी खाना बिल्कुल जी,
हम दही लस्सी चावल रोटी इन पे ज़्यादा जोर देते हैं। फिर अंडा वाले को अंडा मिल जाएगा, दूध वाले को दूध मिल जाएगा, दही वाले को दही मिलेगी, फेड़े वाले को फेड़े मिलेगा। ये भी शौकीन है इसके। हाँ बिल्कुल, ये भी हमारी तरह आदत बदलती रहती है, हर वक्त हमें दाल खाएं तो मन भर जाता है, ऐसे इनका भर जाता है। जी जी। बदल के खाना देना पड़ता। तो कौन कौन सी वैरायटी, टोटल कितनी वैरायटी है सर आपके फार्म पे? भाई साहब ऐसे तो बताना बड़ा कहरा है, वैसे हाँ 15-20 ब्रीड हैं जी। जैसे कि मोटे मोटे में गिनवाए दूं, तिब्बतन मास्टिफ, गद्दी, डॉगो अर्जेंटिनो, जर्मन शेफर्ड ब्लैक, जर्मन शेफर्ड ब्लैक एंड टेन, आपका पाकिस्तानी बुली, गुलटैर, आपका फ्रांस बुलडॉग जी, मिनपिन, पामेलियन, इस टाइप के डॉग काफ़ी हैं, ग्रेड हैं अच्छे। टोटल कितने डॉग होंगे सर अभी फिलहाल? भाई साहब होंगे 123 जी, 123। तो आप ये सेल वगैरह कहाँ करते हैं सर? सेल तो ये सब प्रेमी जो इनके हैं वो आते हैं, अब बस कोई ना कहीं से भी कोई भी आ सकता है, जिसको जो पसंद आता है वो अपना ले जाए। जिसका जो पसंद है। तो कितना समय हो गया सर आपको ये करते हुए? भाई साहब मैं तो बता रहा हूँ, मैं 50 साल का होने जा रहा हूँ, मैं 10-15 साल का लग गया था इसमें। अच्छा। और अपने टाइम का बिल्कुल अंगूठा छाप अनपढ़ भी हूँ मैं। तो सर अगर बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस कैसा है, डॉग बिजनेस? देखिए इसका जो क्रेज है ना वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है जी। जब आपने स्टार्ट करा था ये, तो शायद इक्का दुक्का कोई फार्म होंगे, मतलब कैनाल होगी जी, जी। लेकिन अभी ये डे बाय डे शौक भी हो गया है और लोग इसको एज ए बिजनेस के तौर पे भी करना चाहते हैं। हाँ हाँ, करना तो चाहते हैं मगर हर किसी के बस की नहीं है ये काम जी। हमारी सलाह तो वैसे ये पहले भी हमने कहा, अब भी कह रहे हैं कि जो लोग इन्हें समय ना दे सकें या इन्हें लाड़ प्यार ना कर सकें वो चक्कर में ना पड़े। बड़ा कड़वा शब्द है हमारा, उनकी मट्टी खराब करना या बंधन करना या समय से खाना देना बड़ा गलत बात है ये। ठीक, हमारी सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ऐसी गलती जिन पे समय ना वो चक्कर में ना पड़े जी, ना खुद दुखी हो ना हमें करें। बाकी रहा बिजनेस का बात, बिजनेस में इसमें वही कामयाब है जिसे डॉग से प्यार है। पैसे के जोर पे कोई बिजनेस करना चाहे तो नहीं होगा कामयाब, हमारा वादा है ये नहीं होगा। प्यार का सौदा ये। हाँ प्यार का। कितनी जो आपके पास डॉग हैं, कितने के डॉग हैं मिनिमम और हाई से ज़्यादा जा रहा था कितने? भाई ये आइडिया हम नहीं लगा सकते, हम तो बस इतना लगा सकते हैं एक जिद और शौक का कोई मोल नहीं होता जी। हम अपने डॉग को कह सकते हैं, कुछ डॉग हमारे ऐसे हैं नो सेल, नो मैटिंग। अच्छा। ना कोई मैटिंग कराएंगे किसी कीमत में, ना बेकेंगे हम। अच्छा। हमारे कई कुत्ते ऐसे हैं, हमारा ये जर्मन शेफर्ड ऐसा ही है, नो मैटिंग नो सेल। तिब्बतन मास्टिफ ऐसा ही हमारा, नो मैटिंग नो सेल। आपका खुद का ये चाहते हैं कि ये इनका ज़्यादा मट्टी खराब ना हो जी। जी होने को तो फीमेल हम पे 15 ब्लैक एंड टेन हैं और 4 ब्लैक हैं जर्मन शेफर्ड में, मगर अपने इस मेल से हम 4 ही फीमेल से बच्चे लेते हैं जी। जी और जो लोगों को ये पसंद आता है बस उन्हीं को बच्चे मिलते हैं, अपने लोकल में हैं बच्चे नहीं देते हैं जी। और दिखाई सर फार्म पे और क्या है? हाँ, ये राव जी खाना वगैरह इनका बन रहा है? यहाँ सब इनका है भाई साहब, 6 सिलेंडर बड़े सब साइज इनके ही हैं वो। अच्छा, बड़े ये हैं एडवांस, 6-6 सिलेंडर, 8-8 सिलेंडर रहते। तो कितना खाना ये खा लेते होंगे सारा मिला के, कितनी डाइट होगी जैसे? वैसे मेरे हिसाब से पर डे फिलहाल मैं तो इतना जानता हूँ 6,000-8,000 पर डे का खर्चा। 8-9 हज़ार का पर डे का इनका खाना खाने में खर्चा हो जाता है। अब सवाल आएगा कहाँ से आता है इतना जी, ये सब आप लोगों के भाइयों से आता है, बहुत बहुत प्रेमी है इनके, बहुत बहुत दानी है जी। और रहा हमारा, हम ना अच्छा पहने ना खाएं अच्छा ना कहीं जाएं जी, हमारा मन इन्हीं में लगता है। बिल्कुल, आपकी दुनिया यही एक हो गई है बस, इसके अलावा और कुछ चाहते नहीं है, केवल ये चाहते हैं अपने जीवन में, ये पालन नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी सांस है, या बस लास्ट इच्छा हमारी बची है अपने हाथों से अपने बड़े भाई की सेवा, अगर हमारा कोई कर्म अच्छा है, और कोई हमारी इच्छा नहीं है। बहुत अच्छे विचार हैं राहुल जी, बहुत अच्छे विचार हैं। और कोई इच्छा ही नहीं है भाई साहब। ये सर प्लेग्राउंड है इनका? ये इनके घूमने के लिए भाई साहब। अच्छा। ये स्टैंड है, इनके कटोरा वगैरह रख देते हैं ऐसे, ये कटोरा रख दिया जैसे अब रखा, इसमें खाना या पानी रख देते हैं, बच्चा नीचे सने ना बखेरे ना। तो रावत जी जैसे क्रेज बढ़ रहा है, कोई अगर करना चाहे जी डॉग फार्मिंग जी, तो कैसे कर सकता है, क्या आप उसको सलाह देना चाहते हो? भाई साहब जो इनके प्रेमी है वो खुद हमारे पास चल के आ जाते हैं, हमारी भावना हमारा ज्ञान, हम चाहते हैं आगे बढ़े। तो रावत जी इतना साल आपको काम करते हुए हो गए, काफी लंबी चौड़ी फौज है आपकी यहाँ पे डॉग्स की, छोटे बड़े और हर वैरायटी के हैं, पाकिस्तानी और पता नहीं कौन कौन से हैं, मुझे तो सर नाम भी याद नहीं है। तो आपको ये प्रॉफिट सर कितना हो जाता होगा इससे प्रॉफिट? क्योंकि बड़ा शॉर्ट जवाब है प्रॉफिट का, कि जिस दिन से हमने ये लाइन पकड़ी है हमने आज तक ये हिसाब नहीं लगाया कि क्या खर्चा हो गया क्या बच गया, पहला जवाब। दूसरा जवाब ये, हमने चौथी दुनिया बसाई है,
हम कई बार खराब हुए हैं, बहुत बड़े शराबी भी रह चुके हैं हम। और ये हमारी 5 साल की मेहनत है, छठी चल रही है जहाँ आप आए हैं। हमारे जेब में 10 रुपये नहीं बचे थे, एक फ़ोन तक का नहीं बचा था, अपना शरीर कंट्रोल में कांपते थे हाथ पैर। हमने सब कुछ संन्यास ले कर सब इनकी तरफ ही ध्यान कर दिया और आगे अब कोई इच्छा है भी नहीं। पीछे जितनी मंजिल हमने काट दी है, मुड़ कर कभी देखा नहीं है और देखेंगे भी नहीं। अपने बच्चों को 2 रुपये कमाई के इनमें से दिए नहीं है और दंगे भी नहीं, क्योंकि बच्चे इनकी सेवा ही नहीं करते, उन्हें इंटरेस्ट नहीं इनमें, तो वो पैसे के भी हकदार नहीं रहे। लड़के सब सेवा करते हैं, रहते हैं, ये अच्छा खाओ अच्छा पहनो सब कुछ इन्हीं का है, आगे हमारी कोई इच्छा नहीं। बहुत अच्छा लगा राव जी। पैसा हम पे होता रहता नहीं है, जेब खाली नहीं रहती है, ठीक है भाई साहब, और काम रुकता नहीं है, बस हम इसी में खुश हैं। राव जी बड़े दिलचस्प आदमी हैं आप, और आपके जो विचार है बहुत ही अच्छे हैं। भगवान करे आप और बहुत तरक्की करो, क्योंकि आपने बड़ा संघर्षपूर्ण आपका ये और भाइयों से बहुत हमें बहुत बहुत ये समझो बहुत खुशी होती है जब वो फ़ोन करते हैं और हमारे डॉगों की तारीफ करते हैं, हमारी करें ना करें डॉग उन्हें अच्छे लगते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। बार बार प्रणाम उनको, बार बार धन्यवाद राव जी, आपका बहुत बहुत आभार हमें समय देने के लिए।